In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are doing well. This is the lecture of computer science class 5 and the topic is computers everywhere. पेज नंबर है हमारा 7. सब बच्चे अपने नोटबुक्स ओपन करें और उस पर थर्सडे डेट लगाएं 10 सितंबर, और टॉपिक लिखें और पेज नंबर आपका 7 है. आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. बैंक्स आर यूज कंप्यूटर्स टू, बैंक कंप्यूटर को किस लिए यूज़ करते हैं. टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स, तमाम अकाउंट्स का डाटा रखने के लिए, या कलर और इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए, या फिर टेक फोटोग्राफ्स एंड एडिट देम, या फिर पिक्चर्स लेने के लिए और उनको एडिट करने के लिए. तो बेटा बैंक जो है वो क्या करता है, हमारा अकाउंट का सारा डेटा जो है उसको सेव करता है, पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ नहीं करता और फोटोग्राफ्स वगैरह भी नहीं बनाता. कंप्यूटर्स आर यूज इन बोथ डैश एंड डैश फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक एंड जनरेटिंग बिल्स एट्सेट्रा. कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है, किन दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ताकि उसमें रिकॉर्ड वगैरह जो है स्टॉक का उसको रिकॉर्ड किया जा सके, रखा जा सके और बिल्स वगैरह को जनरेट किया जा सके. शॉप्स एंड होटल्स, ऑफिसेस, लाइब्रेरीज, या फिर होम्स, स्कूल्स. तो कंप्यूटर जो है वो शॉप्स और होटल्स वगैरह का रिकॉर्ड करने के लिए, सेव करने के लिए यूज़ होता है. ऑफिसेज, लाइब्रेरीज़ के लिए नहीं यूज़ होता और होम्स और स्कूल्स के लिए भी यूज़ नहीं होता. डैश यूज़ कंप्यूटर्स टू टीच एंड प्रिपेयर लेसन्स, रिपोर्ट्स कार्ड्स एंड टाइम टेबल. क्या चीज़ है जो कंप्यूटर को यूज़ करती है टीच करने के लिए, और कौन लोग यूज़ करते हैं अपने लेसन्स को प्रिपेयर करने के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए और टाइम टेबल बनाने के लिए. स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते इस चीज़ के लिए, टीचर्स यूज़ करते हैं. हम टीचर्स जो हैं वो बच्चों को टीच करने के लिए और लेसन्स को प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं. डैश यूज़ कंप्यूटर टू डिज़ाइन कार्स. कौन कंप्यूटर डिज़ाइन कार करने के लिए यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स या टीचर्स. तो इंजीनियर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए कार्स को. इसके बाद है, अब हमने देखने हैं ट्रू और फॉल्स. हमारे ट्रू फॉल्स क्या हैं. फैशन डिज़ाइनर्स यूज़ कंप्यूटर टू डिज़ाइन हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो कपड़े वगैरह डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हाउसेज और बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ नहीं करते. तो ये फॉल्स हो जाएगा. ऑल द फिज़िकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स. फिज़िकल डिवाइसेज जो होती हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर. नो, दोज आर द हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिखा गया है जो कि गलत है. तो इसका आंसर होगा फॉल्स. इसके बाद है, कंप्यूटर्स आर यूज इन लाइब्रेरीज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक एंड जनरेटिंग बिल्स. कंप्यूटर जो हैं वो लाइब्रेरीज़ में इसलिए यूज़ होते हैं ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके स्टॉक का और बिल्स को जनरेट किया जा सके. लेकिन नहीं, लाइब्रेरीज़ में कंप्यूटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि बुक्स वगैरह का रिकॉर्ड किया रखा जा सके, और इसके अलावा जो जो स्टूडेंट्स लेकर गए हैं, कब लेकर गए हैं, कितने बजे वापस करके गए हैं, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है लाइब्रेरीज़ में रखा जाता है इन कंप्यूटर्स. लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि रिकॉर्ड रखने के लिए किस चीज़ का, स्टॉक का या जनरेट किया जाता है बिल को. तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स. इसके बाद है, स्टूडेंट्स यूज़ कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. कंप्यूटर्स जो है स्टूडेंट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपने प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकें और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लर्न कर सकें. ये वाला ट्रू है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, अपने प्रोजेक्ट वगैरह को प्रिपेयर करते हो और अपने सब्जेक्ट्स वगैरह उससे सीखते हो. तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू. इसके बाद है, CPU इज़ अ हार्डवेयर. CPU एक हार्डवेयर है दैट वी कैन सी एंड टच, जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. तो ये वाला ट्रू है. और इसके बाद आपका आज का होमवर्क होगा लर्न एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1. आपने इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को लर्न करना है. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.